वकील विशाल तिवारी ने दस दिए कि पटीशन दायर की है तो पटीशन दे विच नवे कानूनों से रोक लगाने की मांग की गई है और नवे कानूनों से व्यापक चर्चा ना होने की गल कही गई है। कह लिए कि यह तर्क दिता गया है। पटीशन दे विच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगवाई दे विच कमेटी का गठन करने की मांग की गई है। पटीशन दे विच कहा गया है कि जिस वेले एक कानून पास हुए ने ज्यादातर सांसदों को संसद तो सदन तो या फिर कह लिए संसद तो सस्पेंड किया गया सी तां इह तर्क भी वड्डा दिता गया है। तो दस दईए कि नवे कानूनों नूं लैके गृहमंत्री अमित शाह दे वल्लों पूरा वेरवा जिहड़ा है वह लोकसभा दे विच पेश किया गया सी। उन्होंने पूरे तरह दे नाल दस्सिया सी कि किवें पहलां महिलावां या बच्चे जिहड़े ने नाबालिग बच्चियां जिहड़ियां ने जिन्हां दे नाल अजिहियां घटनावां वापरदियां ने दिल दहलाउण वालियां या कह लईए कि जबर जनाह दियां तो फिर उस नूं लैके सख्ती की गई है। किस तरीके दे नाल बेहद वड्डे पद्धर ते जिहड़ा सारे जिहड़े वड्डे असीं कह सकदे अधिकारी और हर एक डिपार्टमेंट तो लैके जिहड़े मैंबर ने उन्हां नूं बिठा के कानून तैयार किया गया है। यह सारी जानकारी अमित शाह गृहमंत्री दे वल्लों दित्ती गई सी। यह दस्सिया गया कि किवें हर एक पद्धर ते जिहड़ा इस नूं कोक कीती गई। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ां वाला जिहड़ा कानून है वह हुण नहीं होएगा तो यह सरकार की एक वड्डी प्राप्ति भी उन्होंने दस्सिया सी। सुशील पांडे ने मेरे सहयोगी फोन लाइन से सुशील क्या कुछ जानकारी है पटीशन दायर की गई है कानून को लेकर नहीं? बिल्कुल गुरजोत, देखिए फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा जो नए तीन कानून बनाए गए हैं न्याय संहिता 2023 उसका पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये तीनों नए कानून को चुनौती दी गई है देश की सबसे बड़ी अदालत में और ये मांग की गई है कि फिलहाल जिस तरह ये कानून बनाया गया है इस कानून की एक समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कानून संसद में पास किया जा रहा था तो इस पूरे कानून पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि उस समय ज्यादातर जो सांसद थे वो निलंबित थे। लिहाजा इस पूरे कानून में बिना चर्चा के ऐसे कानून को पास होने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चूंकि जिस तरह कानून में बदलाव किए गए हैं और उस कानून में बदलाव करके ये कहा गया है कि अंग्रेजों के समय के कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं, लिहाजा इन तमाम कानून की समीक्षा और चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी इन कानूनों की समीक्षा करे और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ना दी जाए तब तक इस कानून को फिलहाल अमल में ना लाया जाए। बहरहाल मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पहली याचिका फिलहाल इस पूरे नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जिसमें कानून पर सवाल खड़े किए गए हैं और उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब ऐसे में देखना गुरजोत ये भी बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में तीनों नए कानून को चुनौती दी गई है तो देश की सबसे बड़ी अदालत का इस पूरे मामले पर क्या रुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में ये कानून अब आ गया है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतिम फैसला क्या होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दस दिए कि पटीशन दायर की है। एक वड्डा तर्क उन्होंने दिता कि जिस वेले एक कानून लिया गए थे तो उस वेले ज्यादातर जिहड़े मैंबर सन वो सस्पेंडेड सन।